नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर एक बार फिर से कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि सुबह के मुकाबले शाम में कोई ज़्यादा खास हलचल देखने को नहीं मिली है। जो प्राइसेस हैं वही उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अभी भी सोना वही अपनी उसी $1,850 की रेंज में है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर $22 की रेंज में। वही फंडामेंटल्स अभी भी वही हैं और देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि गोल्ड के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड में जो कीमतें हैं यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जा रही हैं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठ पा रही हैं। सबसे पहला जो अभी ताज़ा फंडामेंटल है वो ये है कि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग के लिए कुछ मिसाइल्स दागी हैं और उसके जवाब में साउथ कोरिया और अमेरिका ने भी कुछ मिसाइल्स दागे हैं। तो इसकी वजह से जो सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो थोड़ी निकलती दिखाई दी है। वहीं दूसरी तरफ निवेशकों की जो नज़रें हैं ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की होने वाली बैठक पे भी हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपनी इस बैठक में महंगाई को लेकर क्या निर्णय लेता है, क्या कुछ नई पॉलिसीज़ बनाता है या फिर ब्याज दरों में कुछ बदलाव करता है। दूसरा, अभी फेडरल रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और निवेशकों को अब भी लगता है कि जो महंगाई है उसको काबू में करने के लिए जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अभी ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। और डॉलर में भी हमने यहाँ पे बीच में उठापटक होते हुए देखी है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी गोल्ड की जो मार्केट है ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही है तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पा रही है, अपनी बीच में यहाँ पे कीमतों पे सस्टेन हो रखी है। और अभी ऐसी संभावना है कि कुछ दिनों तक ये जो गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है ये ऐसी इन्हीं प्राइसेस पर सस्टेन रहे। बात करेंगे अब यहाँ से कच्चे तेल की। कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI $118 पर है, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $119 पर। $120 के ऊपर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल में यहाँ पर कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली बनी है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे हल्की सी कहेंगे, और अभी भी यहीं पे सपोर्ट ले जाएगी प्राइसेस। अब कच्चे तेल में यहाँ पे जो तेज़ी बनी है अचानक से वो क्यों बनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले तो सऊदी ने एशिया के लिए कच्चे तेल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। अभी बीच में 2 जून को जब OPEC और उसके सहयोगी देशों की बैठक हुई थी तो उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब जितने भी OPEC के सहयोगी देश हैं वो प्रतिदिन 6,48,000 बैरल की जो प्रोडक्शन है क्रूड की वो करेंगे। अब ये जो फैक्टर है ये ऐसा फैक्टर है जिससे कच्चे तेल में यहाँ पे नरमी आए, लेकिन सऊदी के प्राइसेस बढ़ाने से और अभी ये जो प्रोडक्शन बढ़ाएगी OPEC प्लस के सहयोगी देश वो जुलाई और अगस्त में जाके बढ़ाएगी, तो अभी पूरा जून बाकी है और जुलाई अगस्त में जब प्रोडक्शन होगी तो वहाँ से फिर जो सप्लाई है वो बहाल होने में भी कुछ समय लग जाएगा। और तो इस दौरान ये जो कच्चे तेल की जो मार्केट है ये अभी टाइट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट्स के अंदर अभी क्रूड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, सप्लाई क्रूड की टाइट ही है। अमेरिका में भी जो क्रूड की इन्वेंट्रीज हैं उनमें डाउनफॉल देखने को मिला है। फिर चाइना भी लॉकडाउन से वापस लौट आया है, चाइना में भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बाकी शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने रनिंग ऑर्डर में फिर से लौटे हैं, तो चाइना से डिमांड निकल सकती है। दूसरा, सऊदी ने जो प्राइस बढ़ाई है इसकी वजह से, ये दो फैक्टर अभी मेजर ऐसे हैं जो क्रूड में यहाँ पर अभी तेज़ी की संभावना ला रहे हैं और कच्चे तेल में हम यहाँ पर तेज़ी आते हुए देख भी रहे हैं। यहीं से बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि $9.4 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि जो नेचुरल गैस है $9.3 के आसपास ही ट्रेड कर रही थी, लेकिन शाम में 0.1% की जो तेज़ी है नेचुरल गैस में वो और बढ़ गई। तो बता दें कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है अभी जो समर डिमांड है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने नेचुरल गैस में बढ़त बनते देखी है। पहले वेदर की वजह से ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही थी कि नेचुरल गैस में यहाँ पर आज कुछ आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखी जा सकती है क्योंकि माइल्ड वेदर रह सकता है, लेकिन ACs हो गए और जो बाकी गैस की जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नेचुरल गैस में बढ़त बनते हुए देखी है। पहले जितनी एक्सपेक्टेड डिमांड थी उससे ज़्यादा यहाँ पर डिमांड आई है, इसकी
इसी की वजह से नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं उनमें हमने यहाँ पे उछाल आते हुए देखे हैं, प्राइसेस सर्ज हुए हैं। वहीं पर हमने आज अगर बात बेस मेटल्स की करें तो बेस मेटल्स में हमने बड़ा फैसला आते हुए देखा है। सबसे पहला तो ये कि जो फंड मैनेजर इलियॉट एसोसिएट्स है उसने LME लंदन मेटल ऑफ एक्सचेंज को सू कर दिया है। और किस बात पे किया है कि अभी मार्च के महीने में LME ने जब निकल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे, उनमें अचानक से उछाल देखने को मिलता डबल से भी ज़्यादा, तो तब इसका जो ट्रेडिंग थी वो सस्पेंड कर दी गई थी कुछ समय के लिए। और इलियॉट एसोसिएट का ये कहना है कि LME ने जो किया था ये रूल्स के अगेंस्ट था, इसलिए LME ने इलियॉट एसोसिएट ने LME को $456 मिलियन का सू किया है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में अभी खबरें आ रही हैं कि जो घरेलू खपत है एल्यूमिनियम की, जो डिमांड है वो अच्छी रहेगी, इसकी वजह से हम यहाँ पे एल्यूमिनियम में बढ़त आते हुए आगे देख सकते हैं। वहीं दूसरा सरिये में जो दाम है वो बढ़े हैं, सरिये के जो दाम है वो घटे हैं। यहाँ पर हमने स्टील में भी जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी कमी आते हुए देखी है। तो बेस मेटल्स में अभी जो रुझान बन रहा है कुछ में तेजी वाला है तो वहीं कुछ में नरमी वाला। ओवरऑल रुझान लंबी अवधि में बेस मेटल्स का जानकार जितने भी हैं वो तेजी वाला ही बता रहे हैं, क्योंकि बेस मेटल्स में हमने इतनी तेजी उससे डिमांड से आते हुए नहीं देखी है जितनी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन में कमी आने से देखी है। तो प्रोडक्शन कम रहने की वजह से और डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से लंबी अवधि में बेस मेटल्स का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की, जानेंगे कि किस कम्युनिटी में अभी क्या फंडामेंटल्स हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कुल मिलाकर आगे जाके भविष्य में कौन सी कृषि फसल कितनी तेजी दिखा सकती है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोयाबीन से। तो सोयाबीन की जो प्राइसेस हमने आखिरी बार तेज होते हुए देखी थी NCDX पर वो 7900 रुपये थी, 7984 के आसपास जो प्राइसेस थे वो ट्रेड होते नज़र आए थे। 8000 का तो आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी सोयाबीन, लेकिन 8000 के लगभग ट्रेड कर रही थी NCDX पर। वहीं हाजिर में हमने 8000 के ऊपर भी सोयाबीन को जाते हुए देखा, सोयाबीन अच्छी खासी बिकती नज़र आई। लेकिन साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं वो थोड़े हल्के बने रहे। 21 में तो हमने सोयाबीन को 11000-12000 तक बिकते देखा था, लेकिन 2022 में अभी सोयाबीन इतनी नहीं बिक पाई, 8000-8500 तक मैक्सिमम ही जा पाई, उससे ऊपर सोयाबीन नहीं बिक पाई। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि सोपा ने अपना आंकड़ा जारी कर दिया था उत्पादन का कि 2021 के मुकाबले 2022 में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो ज़्यादा रह सकता है, 2020 के मुकाबले 2021 का जो सोयाबीन का उत्पादन है सोपा ने ज़्यादा बताया था कि 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा रह सकता है पहले के मुकाबले, 119 लाख टन का आंकड़ा दिया था। फिर अब 2022 की बात करें तो सोयाबीन की बुआई अभी जून जुलाई में शुरू हो जाएगी, तो अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार सोयाबीन का जो उत्पादन है वो ज़्यादा रह सकता है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के जो बुआई है, जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है। आपको बता दें कि इस बार मौसम की मार 2021 में इतनी ज़्यादा देखने को मिली थी दुनिया भर में, जिससे की वजह से जो सोयाबीन का जो उत्पादन है पूरे विश्व भर में कम ही देखने को मिला। और अगर कमी की बात की जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में ग्लोबली वैश्विक स्तर पर लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के मुकाबले 0.6% की गिरावट है, और इसी से ही जो गेहूं के दाम हैं जो बाकी देश हैं वो इतना हाहाकार मचा रहे हैं। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सोयाबीन का जो वैश्विक उत्पादन है अगर वो जैसे 5% से ज़्यादा कम है तो उससे कितनी बड़ी सोयाबीन की किल्लत महसूस की जा सकती है। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये दोनों देश पूरे विश्व में लगभग 50% से ज़्यादा की सोयाबीन की जो सप्लाई है वो करते हैं। दोनों को देशों को मिला दिया जाए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना को, तो 50% से ज़्यादा का उत्पादन करते हैं पूरे विश्व भर में, इतनी हिस्सेदारी दोनों रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2020 के मुकाबले 2021-22 में सोयाबीन के उत्पादन में कमी आते हुए देखी है, भारी कमी आते हुए देखी है। ब्राज़ील
दोनों देशों में इस बार सूखे के हालात ज़्यादा देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों में ही सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कम रहा। इधर अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन के जो आंकड़े थे पहले कम बताए जा रहे थे, वहीं बाद में अब ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल 2020 के मुकाबले 2021-22 के सीज़न में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। दूसरा, अब जो सोइंग होगी 2022 की अमेरिका में भी वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल सकती है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना सोयाबीन का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। चाइना ने लगातार सोयाबीन का आयात किया है अमेरिका से भी और बाकी देशों से भी। दूसरा, चाइना ने अपने रिजर्व से भी सोयाबीन के जो कह सकते हैं जो स्टॉक था उसको भी रिलीज़ किया है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोयाबीन की जो ज़रूरत है चाइना को कितनी है, चाइना कितना बड़ा स्टॉक क्रिएट कर रहा है सोयाबीन का। इसी की वजह से हमने अमेरिका का जो सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट है उसमें उछाल आते हुए देखा था। लेकिन अब भारत की बात की जाए तो भारत में सोयाबीन की बुआई ज़्यादा रहने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि जो प्राइजेज हैं पहले के मुकाबले ठीक मिल रहे हैं, इसलिए सोयाबीन की जो बुआई का रकबा है इस बार भी ज़्यादा रह सकता है। जो ऑयल सीड्स हैं, तिलहन फसलें हैं, उनके बुआई का रकबा ज़्यादा रह सकता है। और अब ऐसी भी खबर आई है कि सरकार खरीफ फसलों में जिसमें सोयाबीन भी शामिल है उसकी MSP में बढ़ोतरी कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, किसान इसकी बुआई और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्योंकि हमने सोयाबीन तेल जो पहले 2020 लॉकडाउन लगने से पहले जो 60-70 रुपये लीटर तक मिलता था वो अब 160-170-180 रुपये लीटर तक मिलता है। तो 2 से 3 गुना तक जो दाम है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं तेलों के भी। सोयाबीन तेल पाम तेल के बाद दूसरा मुख्य तेल है जिसकी खपत पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा की जाती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में CPO के बाद सोयाबीन तेल की सबसे ज़्यादा खपत की जाती है, जिसके दाम अभी 1600 रुपये प्रति 10 किलो के ऊपर बने हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं उनमें कुछ नमी आई है, क्योंकि जो बुआई का रकबा है वो ज़्यादा बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। दूसरा, अभी जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो भी यहाँ पे सोयाबीन के जो और बाकी तिलन फसलों के जो प्राइसेस हैं उनको डिराइव कर रहा है। वो कैसे कर रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल अब भारत समेत जितने भी दुनिया के बाकी देश हैं वो अब पेट्रोल में बायोफ्यूल का बनाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एग्री क्रॉप्स हैं उनको बायोफ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें जैसे आपका कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस हो गया, तो जितनी भी एग्री कम्युनिटीज़ हैं जिनसे बायोफ्यूल बन सकता है उनसे बायोफ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं पाम तेल को मिलता है, क्योंकि पाम ऑयल, क्योंकि जो पाम फ्रूट है, पाम का जो ट्री होता है जिस पे पाम फ्रूट लगता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी कीमतों को भी तेजी मिलती है। लेकिन अब जैसे जुलाई और अगस्त में कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की बात कही जा चुकी है ओपेक की मीटिंग में, तो ऐसे में अगर इन फ्यूचर आने वाले 2 से 3 महीनों में कच्चे तेल के दाम अगर घटते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं तिलहन फसलों और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। क्योंकि जब कच्चे तेल की प्राइसेस नीचे चले जाएंगे तो जो पाम तेल जो बायोफ्यूल के लिए जो इस्तेमाल होने वाली फसलें हैं उनकी डिमांड में भी थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल ठीक ठाक किया जा सकेगा, इतनी ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं हो पाएगी, नहीं पड़ेगी। तो इसी की वजह से कच्चे तेल की में कमी आने की वजह से आगे तिलहन फसलों में कुछ नरमी भी देखी जा सकती है, और रकबा जो बढ़ने की बात कही जा रही है उसकी वजह से भी यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर कुछ नरमी दर्ज की जा सकती है। बात करेंगे यहाँ से अब गेहूँ की। तो गेहूँ की जो कीमतें हैं हमने यहाँ निर्यात पर बैन लगने के बावजूद भी यहाँ पर तेज होते हुए देखी हैं। उसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अभी भी गेहूँ के जो दाम हैं वो तेज हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय गेहूँ की डिमांड अभी भी बनी हुई है और जो प्राइसेज हैं वहाँ पर अभी भी तेज बने हुए हैं। दूसरा कि जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए किसानों से MSP से ज़्यादा दाम देकर उनसे खरीद की थी, बैन लगने के बाद सस्ते दामों पर बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर इससे उनकी लागत नहीं निकलेगी, इसलिए उन्होंने माल को होल्ड किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ है। कुछ माल अभी गेहूं का जैसे
मुंद्रा हो गया, पोर्ट्स पर अभी पड़ा हुआ है जो मौसम की वजह से खराब हो सकता है, तो इसलिए सरकार ने छोटी मात्रा में अनुमति दे दी है निर्यात करने की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंदों देशों को ही किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो तुर्की और मिस्र ने भारत का गेहूं वापस किया था ये कह के कि इसमें रोग लगा हुआ है, और जबकि जो रोग बताया गया था वो मानव जनित रोग है, ऐसा कोई रोग गेहूं के ऊपर नहीं लगता है, तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं कॉरपोरेट कॉम्पिटिशन भी माना जा रहा है, क्योंकि जो तुर्की है वो पहले से ही भारत के खिलाफ रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और भारत को नीचे दिखाने के लिए भी जो तुर्की है वो ऐसे स्टेटमेंट्स ला सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। फिर अभी इसी की वजह से भारत ने जितने भी ऑर्डर्स आ रहे थे निर्यात के लिए उन सभी को खारिज कर दिया है, और सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी नकली कागजात लगा के या फिर किसी दूसरे तरीके से अपना गेहूं गलत तरीके से निर्यात करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भारत सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। अब इन फ्यूचर अगर गेहूं का निर्यात फिर से होता है तो सरकार उसके लिए भी फिर से नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आई है। अब बात करें यहाँ से अगर दामों की, तो अभी जैसे सरकार ने निर्यात बंद कर दिया है फिर से, तो इसकी वजह से गेहूं का जो बाज़ार है हल्का सा नरम हो सकता है, लेकिन जो गेहूं के दाम है वो MSP से ऊपर ही बने रहेंगे, MSP से नीचे नहीं जाएंगे। 2100 से लेकर 2600 का तब जो दायरा है गेहूं का वो ऐसे ही बना रहेगा। बात करेंगे यहां से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार के जो प्राइजेज है हमने कुछ दिन पहले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 10,000 के नीचे जाते हुए देखे थे, आज भी हमने ग्वार के जो दाम है नीचे जाते हुए देखे हैं। 10,000 के सुबह की कार्रवाई सत्र में हमने 10,000 के दायरे में ट्रेड होते हुए देखे थे ग्वार के प्राइसेस, लेकिन अब देख रहे हैं कि NCDX पे गम के जो प्राइसेस हैं वो सपोर्ट ले गए हैं, 11,100 के ऊपर हैं, 0.25% की बढ़त है। वहीं ग्वार सीड जो 5,700 पर ट्रेड कर रहा था वो भी 5,800 की रेंज में आ चुका है, अब 0.25% की बढ़त ग्वार गम ग्वार सीड दोनों में ही देखने को मिल रही है। आपको बता दें जो कच्चे तेल के जो दाम है वो तेज हुए हैं, और जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है ओपेक और उसके सहयोगी देशों द्वारा, तो इसकी वजह से ग्वार की जो प्राइसेज है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, क्योंकि अमेरिका में नंबर ऑफ रिग्स बढ़े हैं, अगर अमेरिका भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसके लिए क्रूड की ड्रिलिंग के लिए गम का इस्तेमाल होगा, गम का इस्तेमाल होगा तो भारत से जो ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने आज ग्वार में बढ़त बनते हुए देखी है। वहीं से मसालों की बात करें तो मसालों में हम देख रहे हैं कि जो प्राइजेज हैं वो अभी ऐसी हाल फिलहाल में नरम बने हुए हैं, धनिया की आवकें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जीरे का निर्यात कम हुआ है, वहीं हल्दी की जो आवकें हैं वो भी ज़्यादा देखनी गई हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जो मसाले हैं इनके दामों में एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा है। मसालों के जो दाम हैं पहले से ही अपने पिछले साल के दामों के मुकाबले इस बार ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऊपरी स्तर पर ख़रीदारी करने से हर कोई डरता है कि, और फिर ऊपर से जो एक्सपोर्टर्स हैं जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी उतना ही माल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं जितनी की उन्हें ज़रूरत है। पहले जब प्राइसेस कम थे तब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ माल मंगा लिया जाता था एक्स्ट्रा भी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बड़ी है कच्चे तेल में बढ़ोतरी की वजह से। तो लंबी अवधि में तो मसालों का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसे ही जो प्राइजेज हैं वो ऐसे ही सीमित दायरे में ट्रेड करते नज़र आ सकते हैं। बात करें कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में यहाँ पर हमने आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन अभी भी सपोर्ट लेवल पर ही है, 7500 की रेंज है, 7500 से 7600 की रेंज अभी भी बनी हुई है। जुलाई वायदा तो 7500 से 7600 की रेंज में है, वहीं जून वायदा 7400 से 7500 की रेंज में। आपको बता दें कि कैसर की जो किसान है इस बार कैसर की बुआई कम करेंगे, क्योंकि जो बाकी फसलें हैं जैसे कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, इनमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसानों को, इसलिए ज़्यादातर किसान ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम कैसर में इस बार बुआई में कमी आते हुए देखेंगे। और दूसरा, चाइना मार्केट में फिर से आ गया है, और जब जब चाइना आता है तो कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है वो निकलती है,
तो इससे भारत का जो कैसर का जो प्रोडक्शन कैसर का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है। तो चाइना की तरफ से सिर्फ डिमांड आने की देरी है, तो जब ये जो प्राइसेज हैं 7500-7600 वाले, ये भी लंबी अवधि में 8000 तक जाते नज़र आ सकते हैं, ऐसी एक्सपर्ट्स की राय है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में किन कम्युनिटीज़ में कैसा ट्रेड हो रहा है और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या फंडामेंटल्स बनते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।